हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। तो कैसे हो? तो अब सफ़र हमारा पैदल स्टार्ट हो गया है। यही होता है सफ़र, पहले एक्टिवा, फिर बस, फिर ऑटो और अब पैदल। मैं लगता है गलत निकला है। कहाँ पे जाना है? कहाँ पे? सामने कहाँ पे? ग्रीन आर्च। ग्रीन आर्च, अच्छा वो लिखा भी हुआ है ग्रीन आर्च, मैं दिखाता हूँ लोगों। तो हमें जाना है इन बिल्डिंग में, किसी भी एक फ्लैट में जो कि मुझे नहीं पता, मैं इसमें फर्स्ट टाइम आया हूँ। ग्रीन आर्च नाम है इसका, आप देख सकते हो सामने लिखा है। तो काफ़ी लोग रहते हैं, मतलब आपको लगेगा कि इधर कितना मंजिल ऐसे होगा, लगभग ये 20 मंजिल का, और 20वीं मंजिल में भी लोग रह रहे हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है दीदी? अच्छा। तो एक्चुअली में प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अभी दीदी के घर जा रहे हैं। दीदी ये कौन है? ये यश है। हाय यश। दीदी का बेटा। अच्छा अच्छा, खुश रहो। अरे क्या पागल है क्या? पैर नहीं छूते? अरे पागल नहीं, अरे पैर पागल है? पैर नहीं। आ जाओ चल, ठीक, खुश रहो, शादी हो जाए जल्दी। थोड़ा सा अजीब सा मोमेंट था मेरे लिए, मतलब मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, ऑलमोस्ट मैं सबके पैर छूता हूँ, और आज कोई मेरे पैर छू रहा है। ये बिल्डिंगें देख के मन में तो आता होगा कि लोग कैसे रह पाते हैं, पर सच बताऊँ जब मैंने बिल्डिंग के बारे में जाना और इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में जाना, तो मेरा भी रहने का मन कर गया। काफ़ी कुछ था, बस आपके पास इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि आप अपने फ्लैट से निकल के नीचे आ पाओ। तो यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा, पूरा क्लब होगा। क्लब की नहीं ले पाया वीडियो क्योंकि उस दिन ट्यूसडे था और क्लब ऑफ था। अच्छा आप कौन? अब फर्स्ट फ्लोर है तुम्हारा? क्योंकि हमें डर लग रहा था कि मेरा भाई ना यहाँ से चढ़ के नीचे ना गिर जाए। अच्छा भाई शैतानी करता है? चीजें फेंकता है और दो बार तो फोन फेंक चुका है। अच्छा आप नहीं करते शैतानी? अच्छा आप सीधे? आप बहुत कम हो। भाई कम, वो भी गलती से करते हो? और भाई कितनी करता है? हाथ से करके दिखाना कितना ज्यादा। इतना ज्यादा? अच्छा अच्छा। क्या दीदी क्या कह रहे थे? प्रेमी है ना? प्रेमी? हाँ वो प्रेमी था। क्यों है प्रेमी, तू फेमस हो गया? तो ये मेरा पहला ब्लॉग था जो अभी टीवी में चल रहा है। सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था अपने आप को देखते हुए टीवी। बहकी सभी जुबा है, हम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। अच्छा लगता है जब आपको काम को, आपके काम को सराहाया जाए, मतलब सराहना मिले आपके काम को, और ये मिल रही थी, सब लोग देख रहे थे वो अपनी पोजिशन में खड़े होकर, तो अच्छा लग रहा था। मतलब एक मोमेंट होता नहीं है, स्टिल है, और सब आपको देख रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं, और सच बताऊँ तारीफ भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। वो पल ऐसा लगता है कि हाँ बस चलता रहे और देखूँ जो कमी है वो भी बताई जाए, मैं अगले बार वो कमी नहीं करूँ। क्योंकि आप लोग अपना प्यार दिखा रहे हो तो मेरा फ़र्ज तो बनता है ना कि और बेटर करूँ, तो ऐसे ही अपना प्यार दिखा। एक बात मैं बताऊँ, बड़ा मतलब अजीब लगेगा आपको सुनने में, पर मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मतलब मैं कंसिस्टेंसी है ही नहीं, मतलब मैं किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, पर ब्लॉग एक चीज़ ऐसी है जिसमें फोकस कर रहा हूँ और दिन पे दिन नई नई चीज़ें ला रहा हूँ, मतलब नया नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है करने में। और आप लोगों को भी अच्छा लगा है तो ऐसे ही अपने प्यार बनाइए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, ब्लॉग पे बने रहिए। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप? तो मेरे साथ अभी मैं ना नोएडा आया हुआ हूँ, दिखाता हूँ वो इस सोसाइटी का। हाँ सोसाइटी का ग्रीन आर्च। ग्रीन आर्च है? हाँ। अच्छा अच्छा, ये तो काफी लंबी है। हाँ, इसमें कम से कम 23 या 20 से ओवर फ्लोर्स होता है। अच्छा 20 से ओवर फ्लोर। ये हुआ कि मैं हम लोग अभी आगरा से नोएडा आए थे, तो फिर नोएडा के बाद हमें जाना था मौसी का, पर पूजा दीदी के साथ आए थे, तो पूजा दीदी ने कहा कि हमारी दीदी घर चलो, और फिर बाद में वो हमारे साथ हमारी मौसी घर चलेंगे, तो हम ठीक है उनकी दीदी घर आ गए। और यहाँ से थोड़ा सा ही पास में फ्यूजन अपार्टमेंट है, उधर मौसी जी का घर है, तो अभी मैं इधर आया तो मुझे मिला यस, और यस भी ब्लॉक करता है, तो अभी मैं नहीं करता, सीधा वीडियो बोलो। सीधा वीडियो बोले क्या करते हो उसमें? मैं अपने डेली व्लॉग जैसा कुछ कर देता हूँ। अच्छा डेली व्लॉग जैसा कुछ करते हो, तो ठीक है। अभी हमें ना इसने एक चीज़ बनाई है, तो वो दिखाएगा क्या चीज़ है, वो खुद ही दिखाते ना। अच्छा।
पक्षी पकड़ने की निंजा टेक्निक है, पर ये बिल्कुल भी ट्राई मत करना क्योंकि ये फेल हो चुकी है बहुत बार। फेल हो चुकी है? हाँ हाँ ये वाली फेल हो चुकी है। अच्छा तो अभी आता है इधर बर्ड्स आते हैं आते हैं बर्ड्स वगैरह आते हैं इधर? ओनली पिजन एंड स्पैरो। अच्छा अच्छा चलो चलो अभी है ना क्या करेंगे हम लोग है ना ये छोटा सा टूर करेंगे ग्रीन आर्च का फिर दिखाते हैं आप लोगों को ना। चलिए ठीक है तो टूर के घर से मौसी घर जाएंगे तो उससे पहले मुझे इसने एक टास्क दिया है। बताओ क्या टास्क है? मेरा हिडन बेड ढूंढना है। हिडन बेड ढूंढना है कहाँ पे है? अच्छा वो हिडन है तो मुझे खुद ही ढूंढना होगा। तो और यू हैव ओनली 5 मिनट्स तो कुछ हिंट्स तो दो ना। हिंट्स आपके पास पूरे चैलेंज में सिर्फ 1 लाइफ लाइन है। अच्छा 1 लाइफ लाइन है तो आपका बेड कैसा है क्या है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा और कहाँ पे है? अच्छा ओके अभी आप ले रहे हो लाइफ लाइन? नहीं नहीं है लाइफ लाइन अभी नहीं लेते पहले ढूंढना स्टार्ट करते ना। चलो ठीक है ढूंढते हैं। तो कहाँ कहाँ ढूंढना है? पूरे घर में। पूरे घर में कहीं बालकनी में तो हो भी सकता नहीं। अच्छा चलो बालकनी में तो नहीं हो सकता ठीक है रूम्स में ढूंढेंगे 3 रूम्स में ना। ठीक चलो स्टार्ट करते हैं। टाइमर लगा लिया? अभी हो रहा है 4:37, 4:38 ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। चलो तो फिर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। उमंग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो उमंग? पहले इस वाले कमरे में। तो इस वाले में तो नहीं है ये मेरा फाइनल है। ओके। ठीक है राइट ना? ठीक है तो हिडन है ना? क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे नहीं है? चलो ठीक है तो लास्ट वाला रूम ये वाला है इसमें होगा और इसमें होगा और इसमें ही होगा इसमें ही है। कहाँ पे? आपको लाइट लाइन चाहिए? इसके नीचे। चलो ठीक है लाइट लाइन ले ली। ओके नहीं बेडरूम में तो मैं पहुंच गया था बताना होगा कहाँ पे। इसी डायरेक्शन में इधर ये वाला यहाँ पर कौन सा हो सकता है? इसके रिलेटेड है इसके अंदर है मेरा फाइनल आंसर। ओके हाँ पक्का कहाँ? हाँ पक्का कहाँ पे? अच्छा ये हिडन बेड है यहाँ पे सोते हो? हाँ मतलब आप 95 लोगों में से हो। 95 लोगों से मतलब 95 लोग नहीं बता पाते 100 में से। हाँ। सो के दिखाना है इसमें हुँ? सो के दिखाना बेटा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं बस बाहर आओ बस अरे बस बाहर आओ। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? बाहर आओ पूरा बाहर आओ बाहर। इधर बैठो किसने बोला था इधर बेड बनाने के लिए? माइंड में आया इसमें पर सोना नहीं एक्चुअली में आप ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे ना तो आपके नहीं ले पाते। अरे नहीं बैठोगे नहीं नहीं बेटा इतना इतने छोटे होल से कुछ नहीं होगा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी आपकी दिक्कत हो जाएगा मतलब पूरे आधे घंटे यहाँ पर रहा। नहीं अब नहीं रुकना है अभी आपका हिडन बेड आज ही डिस्ट्रॉय होगा बस ये लास्ट डेट है हिडन बेड का इसके बाद नहीं ठीक है। और जो भी देख रहा है तो ऐसे हिडन बेड वह मतलब भाई मैं तो पेरेंट्स से कहूँगा भाई मैं कुछ चौंक गया इसे देख के तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए बेटा आप भी नहीं चाहिए भाई। नहीं होनी चाहिए मैं मार लगा दूंगा आपकी गलत बात है बेटा आप समझो ना आपको ना ऑक्सीजन नहीं आएगी तो आप कुछ भी हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाएगी समझो इस चीज को ठीक है। अभी आप छोटे हो इसलिए नहीं समझ पा रहे। दूसरी वाली ड्रॉअर में देखा नहीं है क्या है? नहीं वो तो बाद में देखेंगे पर इधर ये चीज हट जानी चाहिए ठीक है प्रॉमिस करो 10 साल के बाद नहीं अभी हट जाएगा ठीक है प्रॉमिस ठीक है ओके। नहीं हटेगा क्योंकि ना किसी ने कहा है कि तुम्हें ना ये बना के
नहीं, मैं भी तो आपसे कह रहा हूँ कि इसको यूज़ नहीं करना। एक्चुअली में ये उमंग देखेगा ना तो ये भी करेगा। ये बहुत पहले करता। नहीं, अब नहीं करना, अब ना किसी को करने देना। एक्चुअली में हम लोग भी जब बचपन में करते थे ना ऐसा कुछ करते थे, पर दिक्कत होता है, अभी हम समझते हैं। जब छोटे थे तब नहीं आता था समझ में ना। ठीक है उमंग, क्या नाम था? यस, अरे यस बोला नहीं जाता एक्चुअली में, भैया का नाम है। ठीक है, क्या हो गया आपको, क्या हो गया? अच्छा हटाओ हटाओ पहले उसको, अभी हटाओ, अभी खोल के हटाओ 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 जल्दी हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ। मैं बता रहा हूँ। ओके हटाओ, अब आइंदा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, आज से आपका हिडन हमेशा के लिए गायब हो रहा है, हमेशा के लिए। ठीक है, ओके ठीक, ओके प्रॉमिस करा है ना, वो हटा दोगे ना पक्का वाला? चलो ठीक है। और देखो बाहर है ना योगा चल रहा है, बढ़िया मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, अभी हम बाहर जाएंगे। भैया हाँ क्या? वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अब हम जा रहे हैं मेरी मौसी के घर पे। अच्छा हाँ ठीक है, आएंगे कब? आएंगे 6 बजे। हाय करो। हेलो, ये ना क्या है, अभी दीदी के घर से मौसी के घर के लिए निकल गए हैं और जा रहे हैं। अच्छा ये रहता है ना, ब्लॉगिंग का रहता है तो काफ़ी लोगों के अलग अलग परसेप्शन रहते हैं। जैसे बड़े लोगों से मिलूं तो उनका मानना अलग रहता है, जैसे अब इसका मानना अलग है। चलो जो भी है, पर मज़ा आता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीज़। बने रहिए। सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी। टावर में जाना है हमें, दिखाता हूँ आपको टावर वाला सिस्टम क्या रहता है। हमें जाना है एफ टावर में। कहाँ जाना है? एफ टावर में। ये है जे, जे है जी है, जे से जतिन, जे से जतिन ब्लॉक्स। और आगे तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी एक्सप्लोर करने में एक नया एक्सपीरियंस रहा। तो आगे का ब्लॉग मैं आने वाली वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी। तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो में लाइक करिए, कमेंट करिए। और आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।